कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी बीजेपी और अपने गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया, एनडीए प्रत्याशी के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। फणीभूषण चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जो असम गण परिषद के उम्मीदवार हैं और एनडीए का उन्हें समर्थन प्राप्त है। एनडीए का घटक दल है असम गण परिषद और उसके उम्मीदवार फणीभूषण चौधरी बारपेटा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पक्ष में आज प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया और वोट की अपील की। देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए, जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है।